ऑल राइट गाइस, वाह क्या लाइटिंग है। ऐसा लाइटिंग हर एक ब्लॉग में मिला तो मजा ही आ जाए। तो गाइस, वी आर एट एक्सपर्ट डिटेलिंग विच इज इन कांदिवली चारको, और मेरे साथ है यश और जैनेश। यहाँ पे चल रहा है हिमालयन का पीपीएफ। तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन वेदर टू गो फॉर अ लैमिनेशन पीपीएफ और अ सिरामिक। तो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग डज, हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है क्या, वो आप लोग आगे वीडियो में देखोगे। तो फिलहाल तीन बाइक्स दिए हुए हमने यहाँ पे। फर्स्ट वॉज आप लोगों को बाइक्स दिखाता हूँ पहले। तो पहला था जैनेश का समेट वाइट, राइट, कैमेट वाइट, सॉरी कैमेट वाइट कलर मैं भूल गया हूँ आफ्टर राइडिंग इट फॉर 3 वीक्स। तो कैमेट वाइट पे यहाँ पे ये जो वाइट कलर है वो एक्चुअली मैट है, तो इस पर मैट पीपीएफ लगा और यहाँ पे इसका काम हो चुका है। ये बाइक हम लोग ने परसों छोड़ा था और यहाँ पे जो पीपीएफ का काम देख सकते हो, ये सिर्फ एक लाइन है जो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बाकी पूरा जो टैंक है अभी प्रोटेक्टेड है हम बोल सकते हैं। सेकेंड बाइक जो हमने दिया हुआ है शशांक का हानले ब्लैक, और इसका भी पीपीएफ का काम हो चुका है। कुछ एक छोटा सा पार्ट हमने एक्स्ट्रा बोला था, वो काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये बाइक ऑलमोस्ट सेम बाइक है अपनी बाइक की तरह, तो इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ शॉर्ट्स। और मेरे बाइक पे फिलहाल चल रहा है काम, हमने इसका साइड रेल्स निकाल दिया है और आगे का जो काउल है वो भी निकाल दिया है। तो इसका जो पीपीएफ का एंटायर प्रोसेस है वो हमारे समीर भाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका स्टेप होगा वॉशिंग, वॉशिंग के बाद फोम वॉशिंग करेंगे, फिर पॉलिशिंग करेंगे, फिर से वॉशिंग करेंगे, एंड देन पीपीएफ का काम स्टार्ट होगा इस पर। तो फिलहाल विदाउट ट्रेलिंग बाइक को चल ऐसे दिख रहा है। तो अभी तक नंबर भी नहीं आया मेरा, फिलहाल नंबर आते ही हम लगाएंगे और फिर राइड स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले पीपीएफ करवाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए ओपन करके पब्लिक के कमेंट से तो गाली सुनेगा, एक्सपर्ट बोलेगा तो इसको तो ऐसा भी अच्छा लग रहा है वैसे विदाउट विदाउट द रेलिंग, बट हमें रेलिंग का आदत हो चुका है पुराने हिमालयन से, तो उसको लगाएंगे ज़रूर। तो चलिए इस पर काम जो स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को कुछ कुछ शॉर्ट्स बताता हूँ, और ये भी बोलता हूँ लास्ट में कि पीपीएफ या पीपीयू पीपीयू वो उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रेस प्रोटेक्शन फिल्म होता है। हाँ, पीपीएफ पीपीयू ज़्यादा माइक्रोन्स का रहता है, वो अपने को ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा पीपीयू। तो टीपीयू जो है वो ज़्यादा थिक माइक्रोन्स का होता है, तो वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा आपको, तो इसलिए हम लोग वो लगा रहे हैं। तो पूरा काम होगा उसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लैमिनेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो पेंट को डैमेज कर सकता है। इसका जो बेसिकली पीपीयू या पीपीएफ जो फिल्म होता है उसमें एक ग्लू होता है जो आपके टैंक को हीटिंग करने के बाद गर्म होकर पकड़ लेता है, तो उसके लिए हमने लैमिनेशन नहीं लगाया। पीपीएफ का भी हायर वर्जन है टीपीयू, वो लगा रहे सो दैट द पेंट इज़ प्रोटेक्टेड एंड आपका जो बाइक का जो लुक है वो हमेशा नया ही दिखे, तो उसके लिए हम लोग टीपीयू के साथ जा रहे हैं। तो ये सभी प्रोसेस चालू करते हैं और आगे आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं कैसे हो रहा है। तो अभी वॉशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो वॉश होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो ये होता है डिटेलिंग में काम, जब आप एक्चुअली आई वुड रिकमेंड जब भी पीपीएफ करा रहे हो या टीपीयू करा रहे हो तो इनिशियल कुछ डेज में ही करवा लेना, क्योंकि आपके बाइक पे तभी कुछ भी स्क्रैचेस नहीं होगा। अगर थोड़े दिन बाद आप वेट करते हो तो काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके। मैंने अभी जस्ट देखा कि एक माइनर स्क्रैचेस जस्ट एक क्लॉथ घुमाने की वजह से भी आ गया था। तो अगर ऐसा नहीं चाहिए आपको तो इमीडिएटली करवा लेना जैसे आप बाइक की डिलीवरी लेते हो। तो अभी सेकेंड स्टेप चालू कर दिया हमने, इसमें फोम वॉश कर रहे हैं और इस तरीके से फोम वॉश हो रहा है बाइक पर, आप देख सकते हो। तो फोम वॉश होने के बाद फिर से पॉलिशिंग होगा और फिर वॉशिंग होगा, एंड देन अपना फिल्म जो है वो लगाएंगे जिसको बोलते हैं टीपीयू। इट इज़ नॉट पीपीएफ, नॉट पीपीयू, टीपीयू। तो एक पार्ट जो सीट के नीचे रह गया था वो अभी जैनिश के बाइक पे काम चल रहा है, उसको भी नीचे तक ले रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है। शशांक के बाइक पे ये एक और लेयर डाल दिया है सो दैट जो यहाँ पे सीट रब हो तो वो उखड़े नहीं, निकले नहीं। तो आफ्टर द टीपीयू इज डन बाइक कुछ इस तरह से दिख रहा है।
काफ़ी अमेजिंग शाइन आ रहा है और पूरा पेंट प्रोटेक्टेड है फॉर श्योर। और इसका जो लाइटिंग के साथ जो शाइन दिख रहा है वो अमेजिंग दिख रहा है फिलहाल। जस्ट हल्का सा कुछ बबल्स है बट आई थिंक वो धूप के हीट से चला जाएगा, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो ये जो टीपीयू है वो है सम थर्मो इलास्टिक पॉलीयूथेरिन प्लास्टिक जो हायर ग्रेड है देन पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो पेंट प्रोटेक्शन का जो है PPF, दैट्स व्हाट इज डिस्क्राइब्ड ओवर देयर। बेनिफिट्स उसके है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है फेडिंग के लिए और कार का आपका जो रीसेल वैल्यू है वो बचा के रखता है एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर वॉशिंग। तो आप सीधा कपड़ा साफ करके उसको क्लीन कर सकते हो एंड इट्स एन इनविजिबल प्रोटेक्शन। इट हैज सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी एंड इट इज़ गारंटीड। सो ये बेनिफिट है TPU कराने के। तो आई वुड रिकमेंड कि नए बाइक पे जब भी जैसे ही आप लेते हो करवा लीजिए। ये ऐसा कुछ फिल्म होता है इसमें निकाल के वो लोग टैंक पे आपके चेक कर देंगे। तो आजकल हुआ ये है कि इनके जो जो अप्लाई करने वाले जो कारीगर होते हैं वो उनका शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ अपकमिंग फेस्टिवल विच इज गुड़ी पाड़वा। तो काफ़ी जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ वहाँ। तो अभी फिलहाल वो लोग काम कर रहे हैं 24/7, तो रात को भी आके काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे बाइक पे काम होने वाला है रात को, तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली मैं रुकूंगा नहीं। तो यहाँ पे वीडियो मैंने उनको लेने के लिए बोल दिया एंड आई विल बी गिविंग अ वॉइस ओवर। सो लेट्स सी, वो जो अप्लाई करेंगे वो लोग रात को काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपको काम होने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा काम हुआ है बाइक पे और उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो अभी फिलहाल शशांक की बाइक एंड जैनिश की बाइक इज रेडी। मेरे बाइक का कुछ प्रोसेस अभी हो रहा है वो आप लोगों को देखा। तो शशांक का बाइक इज कम्प्लीटली डन। मेरे बाइक पे अभी सेकेंड टाइम वॉशिंग हो रहा है और ये वॉशिंग होने के बाद फिर पॉलिशिंग होगा और फिर उसके बाद ये लोग रात को काम स्टार्ट करेंगे मेरे बाइक पे। तो अभी फिलहाल तो बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:20 एंड जो काम करने आने वाला है बंदा वो रात के 11 बजे तक आने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए तो उसको ऐसे ही छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। मैं कल पिकअप करूँगा बाइक, तो आप लोग को कल बताता हूँ कि कैसा काम हुआ वो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलिशिंग और ये बफिंग मशीन है जिसपे क्रीम पॉलिशिंग क्रीम लगा के अभी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले। तो अभी पॉलिशिंग के बाद फिर से यहाँ पे वॉशिंग फोम वॉशिंग हो रहा है। तो दो बार फोम वॉशिंग किया है कंप्लीट, अभी एज गुड एज न्यू हो जाएगी बाइक। और उसके बाद आपका जो TPU है वो अप्लाई करने वाले। तो ऐसे 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट वॉशिंग देन पॉलिशिंग देन अगेन वॉशिंग विथ फोम एंड देन दे अप्लाई द TPU सो दैट आपका कुछ भी स्क्रैच डस्ट हो बाइक पर तो वो निकल जाए कम्प्लीटली। तो ये प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। तो दैट्स हाउ PPU इज़ अप्लाइड। इसको ज़्यादा खींचना पड़ता है प्रेशर से एंड पानी
सोप वाटर डाल के प्रेशर से चिपकाना पड़ता है ग्लू से। इसके अंदर ग्लू रहता है ऑटोमेटिकली कि नहीं रहता ही ना उसमें। ये साबुन का पानी है ना जो डाल रहे स्प्रिट। अच्छा, इसमें साबुन का पानी और डॉक्टर स्पिरिट मिक्स करके उसको स्प्रे करते हैं सो दैट देर इज़ नो डस्ट एंड वो पूरा जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको नीचे प्रेशर से ड्रॉप कर देता है। सो ये काम में काफ़ी फोकस करके करना पड़ेगा सो दैट देर इज़ नो बबल एंड देर इज़ नो एयर गैप। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ पे स्किल लेबर लगता है तो बेटर टू गेट इट डन फ्रॉम अ स्किल PPF गाइज ओनली। सो हिमालयन के टैंक पे सिंगल पीस नहीं बैठ सकता बिकॉज इसका जो कर्वी शेप है तो उसकी वजह से हमने दो पीस में इसको लगा हुआ है। एक लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी लग गया है, आई शो यू दैट, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और वो साइड का काम चल रहा है। तो वो काम होते ही आपको पूरा लुक जो है बाइक का दिखा दे कैसा आ रहा है। सेंटर पे टेप लगाया हुआ है और जो 15-20 दिन के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों और जो साइड का PPF है दो पीस में तो बीच में एक पील नहीं हो इसलिए टेप मारा हुआ है। तो 15-20 दिन बाद हम निकाल सकते हैं। तो ये लाइन हल्का सा जो दिख रहा है अभी फिलहाल वो कम हो जाएगा बाद में। वो हो चुका है पूरी तरह से और आप लोगों ने देखा पूरा प्रोसेस और सिनेमैटिक शॉट्स भी कुछ देखे। तो TPU जो हमने लगाया था वो था एनएक्स कार्ड ब्रांड का, आप लोगों को दिखा दो। तो एनएक्स कार्ड ये ब्रांड है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिए जो हमने यूज़ किया हमारे टैंक पैड पे और बाकी सिरेमिक हुआ है जो बाकी प्लास्टिक पार्ट्स है, दिस आगे का फेंडर और पीछे का टेल। तो यहाँ पे एक्सपर्ट डिटेलिंग में आप आ सकते हो, समीर भाई मिलेंगे आपको यहाँ पे और उनके साथ रोहन। तो काम अच्छा किया है काफ़ी बाइक पे। अगर आपको कुछ भी डिटेलिंग करवाना है तो मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और बात कर सकते हो। दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी जेन्युइनली प्राइस्ड आल्सो। सो और अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट किया उन्होंने जो 3 साल के वारंटी के साथ आता है। तो अपनी बाइक अभी मस्त एज गुड एज न्यू रहेगी काफ़ी सालों तक, कुछ पेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विल डू ऑल लॉन्ग राइडिंग विदाउट एनी फियर ऑफ गेटिंग स्क्रैचेस। सो दैट्स इट गाइज। तो एक्सपर्ट डिटेलिंग के ओनर भी है हमारे साथ मिस्टर अर्जुन, राइट? जी सर, अर्जुन जी है यहाँ पे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, हमारे 3 बाइक्स यहाँ पे दिए हुए थे हमने, तो सारे बाइक्स पे अच्छा काम हुआ है और थैंक यू सो मच सर, जेन्युइन है आपका काम भी अच्छा लगा हमें और मनी वैल्यू फॉर मनी भी लगा जी। तो बाकी राइडर्स को भी हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे आओ, अर्जुन जी से मिलिए और उनका टीम है यहाँ पे जिन्होंने अच्छा काम किया, तो बात कर सकते हो आप, उन अच्छा पैकेज देंगे आपको विद वारंटी। सो यू आर सेफ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माइंड आप सेफ यहाँ पे बाइक छोड़ के जा सकते हो। दे आर ऑल यू नो देयर फॉर योर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला हमें। तो थैंक यू सो मच सर। सो दैट्स इट गाइज, ये ब्लॉग में इतना ही कंटेंट आता है, तो बाकी आगे राइड्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए एंड विल कैच अप इन अनदर ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।